प्राथमिक स्कूल भोड़ियापानी में बच्चों को 2 दिन तक नमक मिर्च की चटनी में दिया खाना। बच्चों ने दिया इंटरव्यू में जवाब माध्यान्ह भोजन के खिलाफ। टीचर ने भी बच्चों के माध्यान्ह भोजन में बताया कमियां। यहाँ के जो अध्यक्ष सचिव हैं वो मेनू के अनुसार बच्चों को खाना नहीं देते और सामान भी पूरा इकट्ठा महीने भर का भी नहीं पहुँचाते, थोड़ा थोड़ा करके पहुँचाते हैं, उसमें भी पूरा सामान नहीं पहुँचाते और ठीक से नहीं पहुँचाते। वीडियो के माध्यम से पूरे देश को दिखाना है। ग्राम भोड़ियापानी के सरस्वती स्वसहायता समूह के सचिव अध्यक्ष बच्चों के माध्यान्ह भोजन का राशन देने में आखिर क्यों कर रहे हैं कंजूसी। तो आज क्यों बोल दिए कि खीर पूरी बना दो, सब्जी मत बना? हाँ, सब्जी कहाँ देंगे, दाल भी नहीं देंगे। राशन वगैरह जो गेहूं चावल आता है वो सही देते हैं या फिर कम देते हैं? 12 किलो आता है राशन चावल। कितने दिन का आता है, 1 महीने का आता कि या हफ्ते का? महीने का। उतना राशन हो जाता है, 1 महीने पुर जाता है चावल? और 12 किलो से मतलब देते हैं पाई से नाप के, कुड़ो है 8 पाई, 8 पाई को पुराना पड़ता है हमको, उसी की खीर बनाने, उसी की फिर खिचड़ा बनाने 5 गुरुवार। अच्छा, खीर बनाते हो तो उसमें क्या डालते हो? कुछ नहीं डालते, शक्कर भर डालते। वो लोग ला के नहीं देते नारियल वगैरह, काजू किशमिश? नहीं, ना काजू किशमिश, नहीं ना कुछ, नहीं बादाम बादाम कुछ नहीं। शासन ने जो नियम बच्चों के लिए लागू किया है माध्यान्ह भोजन को लेकर, मीनू के अनुसार स्कूलों में बच्चों को माध्यान्ह भोजन का पूरा लाभ मिलना चाहिए। शिक्षा अधिकारी को इस नंबर पर कॉल करें 9407860719 पर कॉल करके संपर्क करें। मैं अनीता, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, इंडिया, अनहट से।